अस्सलाम वालेकुम। बाबराज किचन में बाबरा के देखने वालों को बहुत ज़्यादा सलाम। और आज लेकर आई हूँ जी आपके लिए मैं टिंडे, जिनका नाम सुनते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो घर के मुंह बना लेते हैं कि जी टिंडे कैसी सब्ज़ी है और इसे क्यों बना रहे हैं आज। तो हम बनाएंगे इसको आज, और ऐसे तरीके से बनाएंगे कि सब घर वाले इसको खुशी से खाएंगे। आधा कप ऑयल लिया, उसमें दो मैंने प्याज लिए, उनको बारीक चॉप कर लें या उसको ग्राइंड कर लें, और फिर इसको ऑयल में अच्छे तरीके से आप भून लें। भूनने के बाद आपने उसी तरह दो टमाटर लेने हैं, उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेना है, उनको भी ग्राइंड करके आपने मसाला बना लेना। मसाला बनाने के बाद टिंडे देखिए जी, मैंने अच्छे से धोकर इनको कट कर लिया है, इनको पूरा कट नहीं किया, इनके ऊपर प्लस का साइन मैंने लगाया है, और टिंडों को मैं वन बाय वन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही मैंने नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा वो इसके अंदर ऐड किया और इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको दम पे रख दिया, फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया, और ये इसी मसाले के अंदर बनते रहेंगे। जहाँ आपको लगे कि जी आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, मसाला ड्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तकरीबन आधे घंटे में आए आपकी जो डिश है ये रेडी हो जाएगी, ठीक है। और ये देखिए जी, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, टमाटर मैंने दोबारा चेक किया है, और देखें जी टिंडे गलना शुरू हो गया है, कुछ टिंडे इनमें से टूट भी गए हैं, तो इट मीन्स डैट के बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। खुशबू तो मुझे बता रही थी कि बहुत मज़ेदार से टिंडे तैयार हो चुके हैं। सब्ज़ धनिया कट किया मैंने, सब्ज़ मिर्ची कट की, बस जी उनसे इनको मैंने दम दिया, और ये साथ मैंने चपाती भी बना ली। और देखें जी, मज़ेदार से टिंडे हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से आप टिंडे बनाएंगे तो घर में सभी खुश होकर खाएंगे, साथ में घर की चपाती बनाएं और साथ ही ठंडी ठंडी लस्सी बनाएं। और यकीन करें कि गर्मी के मौसम में आप गर्मी को भूल जाएंगे, सब्ज़ी को याद रखेंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें बाबराज किचन में, बाबरा की रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि अब आपके लिए मैं कौन सी और वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।